रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। उर्दू की एक और वीडियो, ग्रेड फिफ्थ, सबक नंबर 8 है। इसमें तफहीम दी हुई है उन्होंने। इसमें सिर्फ ये है कि आपने कहा कि के दो तरह का होता है, जो एक हम सेंटेंस के दरमियान में यूज़ करते हैं जब हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं होती, वो के, दूसरा के, वो भी सेंटेंस के दरमियान यूज़ होता है। और किसी और कर लगा कर इबारत को मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्कुराहट अल्लाह सुब्हानहू ताला का एक खूबसूरत तोहफा है। मुस्कुराता वो शख्स है जिसके दिल में बोझ ना हो, जो किसी से हसद ना करे, जो किसी से नफरत ना करे। यकीनन ये वही शख्स कर सकता है जिसका अखलाक अच्छा हो, और ऐसा शख्स अल्लाह सुब्हानहू ताला को बहुत पसंद है। देखा जाए तो ये हकीकत है कि मुस्कुराने पर कुछ खर्च नहीं होता, बल्कि जिसकी तरफ देखकर मुस्कुराया जाए वो अपने आप को अहम महसूस करने लगता है। मुस्कुराहट एक आसान नुस्खा है जिसकी मदद से हम अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं। कहा जाता है कि एक आला लिबास में मलबूस शख्स के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट भी हो तो वो उसकी शख्सियत का बेहतरीन हिस्सा होती है। खूबसूरत मुस्कुराहट वाले शख्स को सब पसंद करते हैं। घर हो या दफ्तर, बाजार हो या कोई ख़ानदानी महफिल, मुस्कुराहट का जादू हर जगह अपना असर दिखाता है और माहौल पुरसकून रहता है। मुस्कुराहट चेहरे को खूबसूरत और ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि इससे हमारे मनफी रवैये मुस्बत हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के इम्कान कम हो जाते हैं और माशरे में अमन की फ़िज़ा कायम होती है। तकलीफ़ में और मुश्किल वक्त में मुस्कुराना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अपने दुख दर्द को बर्दाश्त करना सीख ले, हर बात का गिला करना छोड़ दे, अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात पर भरोसा रखे, तो उसकी मुश्किलात कम होने लगती है। उस पर अल्लाह सुब्हानहू ताला का फ़जल नाजिल होने लगता है, वो मुश्किलात पर काबू पाना सीख लेता है और उसकी मुस्कुराहट वापस आ जाती है। एक दूसरे की तकलीफ़ में आपकी हमदर्दी, तवज्जो और मुस्कुराहट उसे हौसला देती है और उसका एतमाद बहाल करती है। लिहाजा मुस्कुराते रहिए, इसलिए भी कि आपकी मुस्कुराहट ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके ख़ानदान, दोस्तों और मिलने जुलने वाले लोगों के लिए भी जादुई असर रखती है। मुस्कुराहट हमारी शख्सियत को निखारती है, हम खूबसूरत नज़र आते हैं, हमारे चेहरे से जाहिर होता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतों के शुक्रगुजार हैं और जो चीज़ हमें हासिल नहीं है उसके हसूल के लिए नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं। मशहूर कौल है, मुस्कुराओगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ मुस्कुराएगी, लेकिन अगर रोने लगे तो तुम्हें अकेले रोना पड़ेगा। शुक्रिया।